हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए चीजें या फिर कुछ नए रूल्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सब लागू होने वाले हैं फ्रॉम 1st of August। तो आइए जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हो चुकी है 31 तारीख, कल से इन सभी चीजों को लागू कर दिया जाएगा। क्या क्या बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर में ये चेंजेस होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में आप देखोगे तो हर साल जो चीजें चेंज होती हैं या फिर कोई नया रूल आता है तो वो 1st of जुलाई है, 1st of August है, इसी तारीख से इनको लागू किया जाता है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल देख पा रहे होंगे, न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड रूल्स फ्रॉम 1st of August, न्यू चार्जेस, लेट पेमेंट बिल, बिल पेमेंट रूल्स एंड मोर। अब इसमें सिर्फ HDFC का ही नहीं है, HDFC वाले सोचेंगे ओ माय माय माय, हम भी इसी में आते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो चेंज होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1, जो आपका कल से बदल जाएगा, ये जुड़ा हुआ है HDFC बैंक के साथ में। आप सभी को पता है अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो बैंक है वो है HDFC बैंक। इसका जो क्रेडिट कार्ड होता है, आप सभी लोगों के पास में कार्ड होगा, ऑल्दो बैंक में पैसा हो या ना हो लेकिन क्रेडिट कार्ड तो जरूर होगा। तो जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और चेंजेस में सबसे पहला जो चेंज है, अगर आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके किसी भी चीज का पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट के ऊपर अब आपको 1% चार्ज पे करना पड़ेगा। सपोज करिए कि आप एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि स्कूल की फीस हो गई या स्कूल के लिए बुक्स वगैरह हो गया, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में भी HDFC कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर रहे हो, ये बात क्रेडिट कार्ड की हो रही है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो भी यहाँ पे 1% का आपको पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसमें एक चीज इन्होंने और बताई है, सपोज करिए कि ये जो आप पेमेंट करते हो, अगर सपोज करो एजुकेशन के सेक्टर में आप कर रहे हैं, तो अगर स्कूल का कोई वेबसाइट है या अगर ऐसा कुछ है, तो उस कंडीशन में अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करोगे तो आपको 1% चार्जेस नहीं पे करने हैं। इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट रख रहे हैं, यानी कि अगर आप 15,000 के ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि अगर आप किसी चीज की खरीदारी कर रहे हो और वो अमाउंट आपका 15,000 के ऊपर चला गया, तो भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। या आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि ट्रांजेक्शन फीस जो है वो अब आपको 1% पे करनी पड़ेगी अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉम 1st of August। इसके अलावा दूसरा रूल जो यहाँ पे कल से आपको देखने को मिलेगा, तो सेकेंड में बताया जा रहा है गैस सिलेंडर्स जो है हम लोग के घरों के अंदर इस्तेमाल होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल भी होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गैस सिलेंडर्स हैं, मे बी इनके प्राइजेस कल से या तो कम हो सकते हैं या फिर वो बढ़ सकते हैं। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने गैस सिलेंडर के जो प्राइजेस थे वो कम हुए थे, तो अभी उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है इसके अंदर कुछ आपको कटौती देखने को मिले और गैस सिलेंडर के जो प्राइजेस हैं वो कम हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है टर्बाइन फ्यूल से मतलब क्या है, जैसे कि फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है जो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है उसके प्राइजेस के ऊपर भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्यूल का पैसा बढ़ गया तो आपको पता है कि जो टिकट की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, या मान लीजिए कि अगर फ्यूल का पैसा कम हो गया तो जो टिकट की कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी, तो टर्बाइन फ्यूल के ऊपर भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे जो थी वो तो बता दी, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आप सबको ये तो मालूम है कि भाई बैंक्स के अंदर सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे जो होता है वो तो छुट्टी होती है, बट इसके अलावा 13 दिन बैंक बंद रहेगा, बैंक वालों की चांदी चांदी, इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो सब टोटल मिला के टोटल 15 दिन की छुट्टी आपको बैंकों में देखने को इस बार मिलने वाली है इस पूरे महीने के लिए। इसके अलावा पांचवा और सबसे आखिरी रूल जो आपको कल से देखने को मिलेगा, गूगल का जो मैप हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग अपने फोन पे इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल जो अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड कराता है उसके प्राइस में 70% तक कटौती कर रहा है गूगल। इसके साथ में गूगल ने यह भी बोला है कि जो पेमेंट गूगल लेता है इंडिया से डॉलर में, अब वो पेमेंट भी रुपीज के फॉर्म में गूगल एक्सेप्ट करेगा। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको कल से देखने को मिलेंगी और ये सारे के सारे रूल्स कल से ही लागू भी हो जाएंगे। और आज तारीख है 31, अगर किसी का भी ITR फाइल नहीं हुआ है, आपके कनेक्शन में कोई है, आपके फैमिली में कोई है, तो टुडे इज द लास्ट डे, आज ITR फाइल भी करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर
क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से यहाँ पर चीजों को आप देख रहे हो, वो तो चलो बात की बात हो गई है ना, बट जो रूल्स यहाँ चेंज हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके सामने। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कल से क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो अपनी निगाहें इन नए रूल्स के ऊपर लगा के रखिएगा। मिलते हैं आपसे बर्निंग सेशन के अलावा सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में, और कल से 11 बजे आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है जीके की सीरीज पूरे हफ्ते भर के लिए, तो मिलेंगे वहां पे भी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।